समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा आज रायबरेली के लालगंज बैसवारा इंटर कॉलेज में थी। एक ये छोटा सा बच्चा जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, इसको आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए हुए और मंच से अभी बढ़िया बहुत अच्छी स्पीच दे रहा था। आइए इसे जानते हैं कि सोच कहाँ से ऐसी आई है। बेटा क्या नाम है, पहले अपना नाम बताओ। सजल त्रिवेदी, अभिमान त्रिवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम भोजपुर के, भोजपुर ग्राम सभा के डूड़ी गाँव में रहने वाले हैं। कौन सी विधानसभा है? सरेनी। अभी आप अखिलेश यादव जी आए थे, आप मंच से स्पीच दे रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश यादव जी ने जो बोला है वो उस पर खड़े उतरेंगे, ये हम सब लोगों को पता है। और इस बार हमारी समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। कितनी उम्र है आपकी? लगभग 11 साल। आप तो वोट भी नहीं डाल पाओगे? अरे नहीं डाल पाएंगे, लेकिन वोट से बड़ी चीज सपोर्ट होती है। मेरा एक वोट नहीं है, मैं 10 वोट इकट्ठा कर सकता हूँ। वो लोग उनको वोट डलवाने के लिए उनसे कहूँगा तो वो लोग उस पर वोट डालेंगे, ये सपोर्ट है। अच्छा, योगी सरकार के विषय में क्या कहेंगे? देखिए योगी सरकार ने किसान को अलाल कर दिया है, व्यापार कुछ हो नहीं पा रहा है, हमारी शिक्षा पर पूरा दबाव पड़ा है। उस दिन पेपर पर आया था बच्चों को पंचर बनाने के लिए सिखाया जाएगा, तो ऐसी सरकार है। अब स्कूल खुले हैं 42 दिन बाद, इतने दिन की बात कवरेज में। तो ये कहना है हमारा कि इस बार अखिलेश सरकार को आप सभी लोग अपना मत दें। अच्छा, मतदाताओं के पास किन मुद्दों को लेकर जाएंगे साइकिल के लिए? मतदाताओं के पास इस मुद्दे को लेकर जाएंगे कि आपने देखा कि किसान बिल्कुल बदहाल है। और एक चीज है, तेल के दाम कितने ऊपर उठ गए हैं, जो आम आदमी जो है वो गाड़ी से चलता है वो कितने उसके ऊपर दाम हो चुके हैं। डीजल 50 में था, आज 100 है, कहीं 120 है, ये सरकार की ये भ्रष्ट चीज है। अच्छा बात की, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 6। अभी मन से कुछ आप गाने के माध्यम से कुछ कह रहे थे, वो गाने के बाद सुना दीजिए। देखिए हमने गाने के माध्यम से हमने कुछ नहीं कहा, नहीं कुछ बोल रहे थे अभी आप। अच्छा था, यही बोला है कि इस बार आप सभी लोग अपना मत साइकिल पर बटन दबाएं और भारी मतों से अखिलेश यादव को विजयी बनाएं। बहुत हुआ है अत्याचार, बहुत हुआ है भ्रष्टाचार, उखाड़ फेंको भाजपा सरकार। अच्छा ये बताइए कि अब ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि इस तरह की आप समाजवादी पार्टी पे अभी पढ़ रहे हैं, आप वोट देने के कगार पे भी नहीं है, तो इस तरह की सोच कहाँ से आ गई आपको नेता बनने की? हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री अंजय मिश्रा जी से हमको ये प्रेरणा मिली। हमारे बीच हैं, वो कहीं हैं दिख नहीं रहे हैं, उनसे हमको एक प्रेरणा मिली। तो क्या नेता बनने का आगे ख्वाब है क्या आपका, क्या और कुछ बनने का ख्वाब? नहीं जी, नेता ही बनने का ख्वाब है। तो नेता बनेंगे आप? बिल्कुल। तो अखिलेश यादव से कुछ बात हुई आपकी? हाँ बिल्कुल हुई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि देखते हैं, अभी उन्होंने, उनके पास टाइम नहीं था, 100 तुरंत ही उन्नाव भी अभी जाना है उनको, तो उन्होंने बोला कि तुरंत बात हुई उनसे, बोले कि हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये बोला उन्होंने। तो कैसा लगा अखिलेश यादव से, इससे पहले कभी मिले थे? नहीं कभी नहीं मिले। आज मुलाकात हुई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा ही लगा, बहुत अच्छा। और कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ संदेश ये है कि इस बार हमको पूरे यूपी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहराना है। और सरेनी 182 से देवेंद्र प्रताप सिंह, अजय राजा को विजयी बनाना है। धन्य। देख सकते हैं छोटा सा बालक है किस तरह से समाजवादी पार्टी की बखान कर रहा था, उसका साफ साफ कहना कि इसको आगे नेता बनने का इसका सपना है। उसका हिसाब सबसे बड़ी बात यह थी कि बेबाक तरीके से इसने अपनी बात रखी है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।